अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? सो आज मैंने आज मेकअप लुक क्रिएट किया है, वेस्टर्न लुक। सो आप लोग देखिएगा कैसे क्रिएट करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सिंपल ही होगा, आप लोगों को आसानी होगी वो चीज़ करने में। तो आप लोग प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी मैंने किया है वो मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट मैंने दिखाया है वीडियो में कि मैंने क्या यूज़ किया जो भी। और अगर मैं उस चीज़ों का पूरा आपको बताऊंगी भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप से पहले। या तो आप क्लींजर से क्लीन कर ले या तो आप वाइप से क्लीन करें, और आजकल सबसे आसान होता है वाइप। वाइप सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो जल्दी से हो जाता है, आपको ज़्यादा वो क्लींजर वाला झमेला का ज़रूरत नहीं है। तो फेस क्लीन करिए ही मेकअप से पहले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप में। और इससे क्या होता है ना, गंदगी नहीं रहती फेस में, तो मेकअप भी अच्छे से होता है और मेकअप अच्छा भी दिखता है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, फिर मैंने गुड वाइब्स का सीरम यूज़ किया है। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी, भले मैं इस वीडियो में ना दिखे, पर जो भी मैंने यूज़ किया सब बताऊँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अगर आपको मंगवाना होगा तो आप मंगवा लीजिएगा। तो मैंने जब सीरम यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का। उसके बाद मैंने कलर करेक्टर जो यूज़ किया वो है इंसेल्ट का, इंसेल या ऐसा ही कुछ नाम है उसका। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करी हूँ, वॉइस रिकॉर्ड तो समझ भी नहीं आ रहा। सो उसके बाद मैं इनका आईब्रो करी हूँ। मैंने पहले ही फेस का मेकअप पूरा कर लिया था। मैं बता दूँ, मैं फाउंडेशन वाले में रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। तो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था फिट मी का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा फाउंडेशन अच्छा होता है, तो फिट मी का अच्छा होता है। उसके बाद मैं ये लॉरियल का आईब्रो किट है, इसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इनके आईब्रो बनी हुई नहीं थी तो इसी में मुझे मैनेज करना था। और अगर आप कोई भी आईब्रो, जब आपको शेप देना हो और आईब्रो बनी हुई ना हो, तो आप ना फाउंडेशन से उनके हेयर को थोड़ा बहुत हाइट कर सकते हो, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर लिया। और ये जो स्पंज मैंने पकड़ा है अपने हाथों में, आप देख रहे हो ना, वो मैंने DIY बनाया है, क्योंकि PSC का बहुत ज़्यादा प्राइस है और अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने ये नॉर्मल सा बनाया है। बाकी मेकअप के प्रोडक्ट तो सारे ठीक है। तो मेकअप का जो सामान मैं यूज़ करी हूँ इसमें, तो ये आई मैजिक का पैलेट है, जिसमें से मैं ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके इनकी क्रीज लाइन बना रही हूँ। ब्लैक और ब्राउन को मिक्स किया है मैंने। लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी सबका लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जो मुझे मिलेगा, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो मैंने वो यूज़ किया। इसके बाद अभी मैंने लिया है रेवोल्यूशन का पैलेट, और रेवोल्यूशन के पैलेट में से मैं रोज़ गोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा दिख रहा था और भर के आ रहा था। मेकअप जब हो जाएगा उसके बाद आप ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने जो लिया है, ये रेवोल्यूशन का पैलेट मैंने हुक से लिया था 2400 में। अभी आपको बहुत कम प्राइस में अच्छे से मिल जाएगा ये, मैं इसका लिंक दे दूँगी। अमेजोन में आपको 1500 समथिंग इतने में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस मैं अभी नहीं बता सकती, तो मैं लिंक दूंगी, आप लोग बस चेक कर लेना कि क्या है। तो इसके भी शेड्स बहुत अच्छे हैं, और आई मैजिक के भी शेड्स बहुत अच्छे हैं, रूट कॉस्मेटिक इसके भी शेड्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये कलर यूज़ किया। उसके बाद हमें इन दोनों को थोड़ा बहुत मर्ज करना था, ताकि जो भी है ना एक्स्ट्रा सा ना लगे। तो फिर मैंने मर्ज किया दोनों, ब्लैक और उसको मर्ज कर दिया क्रीज में। अब इसके बाद ना मैं इनको लगा रही हूँ काजल। तो काजल मैंने लिया है पर्पल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका ही दूंगी, देख लीजिएगा। तो काजल मैंने पर्पल का यूज़ किया है, तो अभी मैं ये काजल यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं जेल काजल भी यूज़ करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जेल काजल। वो आईज़ में बहुत अच्छे से डिपॉजिट भी हो जाता है, आपको अपर आईज़ और लोअर आईज़ में ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर लोअर वाटर लाइन पे लगा दोगे ना, तो अपर वाटर लाइन पे आराम से लग जाएगा। और मैंने जो काजल यूज किया है वो है म्यूज़िक फ्लोर का, और अभी मैं ना इनके लोअर वाटर लाइन पे लोअर लैश लाइन पे मैं जो आई शेडो है उसको डिपॉजिट कर रही हूँ। तो मैं ना ब्राउन ब्लैक दोनों को मिक्स करके ही डिपॉजिट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा अगर डार्क कलर डालेंगे ना, तो आई लुक बहुत घटिया सा दिखेगा, तो इसलिए हल्का हल्का डार्क डाल रहे थे। दोनों को मैं मिक्स करके डाल रही थी, डायरेक्ट ब्लैक भी नहीं डाल रही थी इनको। तो
उसके बाद मैंने इनके फेस का कॉन्टोरिंग कर ली। और मैंने अभी देखिए ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ आईज़ पे, तो ये जो मैंने यूज़ किया ये शुगर का किया, शुगर का बेस्ट होता है गाइस, बहुत बेस्ट। तो ये मैंने यूज़ कर लिया। अभी मैंने शुगर का ही ना ब्लश यूज़ किया, हल्का हल्का पिंक कलर है। और उसके बाद ये हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है ना, ये भी शुगर का ही हाइलाइटर यूज़ किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। एक ही किट में आपको हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्टोरिंग दो तीनों मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद ना मैं ये कर रही हूँ, क्या पता है आपको, क्योंकि आई जब भी आप बिना सेलो टेप के आई मेकअप करते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई का शेप थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब तो जो आउटर कॉर्नर होता है ना वहाँ पे आप सही से फाउंडेशन मतलब सही उसके फाउंडेशन लगा के आप उसको शेप दे सकते हो सही से, कि जो भी शेप नहीं मिला है वो शेप सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो शेप बहुत सही हो गया। तो अभी मैं ना अगेन म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर ही यूज़ कर रही हूँ इनके आईज़ पे। ये जेल आईलाइनर बेस्ट रहता है। कभी कभी आपका ऐसा होता है ना कि जेल आईलाइनर फैलता है, कि तो आप ना क्या करिएगा, जो ट्रांसलेशन पाउडर होता है ना, जेल आईलाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा आई शेडो लगा दे ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर से ना आप ट्रांसलेशन पाउडर से उसको सेट कर दे, तो आपका जो जेल आईलाइनर है ना वो बिल्कुल भी आपके मतलब कि आई शेडो पे मर्ज नहीं होगा और बिल्कुल भी आपका आई मेकअप ख़राब नहीं करेगा। तो ये वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इनको ना लैशेस यूज़ किया इनके आईज़ पे, तो लैशेस जो थे उसका भी लिंक मैं डालूँगी डिस्क्रिप्शन में, नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। और ये जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैट मी का लिपस्टिक है, बहुत अच्छा लिपस्टिक है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा। तो अगर आप चाहते हो तो अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा, मैंने मार्केट से ख़रीदा था, अच्छे अच्छे ब्रांडेड लिपस्टिक को भी ये टक्कर देता है, सो मैंने इसको मार्केट से ख़रीदा था। अगर मुझे ऑनलाइन इसका लिंक मिल जाए तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगी इसका लिंक ऑनलाइन, तो देख लीजिएगा। सो अच्छे तरीके से मैं इनके इनको लगा ले रही हूँ, क्योंकि और एक ट्रिक भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, जो कि आप लोग देखते जाइए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आप लगा ले। बाकी ना अगर आप चाहते हो कि लिपस्टिक आपको अच्छी कंपनी का चाहिए, तो आप माई ग्लैम का ले सकते हो, जो कि ऑफ़र चल रहा है, आपको पता है 99 रुपीज़ में आपके फर्स्ट ऑर्डर में आराम से लिपस्टिक आप 99 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो, तो आप ले लो। उसके साथ आपको कूपन कोड वगैरह बहुत कुछ मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेस करो तो आपको और भी सुविधा हो। तो ये हो गया है। और अब मैंने उनके जो देखा आपने जो भी मतलब अलग से जो हो गया था ना, लिपस्टिक लग गई थी तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन से मर्ज कर दिया, तो इससे क्या होता है लिपस्टिक भी नहीं दिखती। अब मैंने शेड कर दिया, अब ये देखिए इनका लुक ऐसा है। और यहाँ पे फोटोशूट हो रहा था तो मैंने यहीं से आपको दिखा दिया, और बाकी बिहाइंड द सीन मैं आपको